नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण से सीखे जीवन बदलने वाला सबक। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि देवव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। मथुरा में जन्म गोकुल में लालन पालन हुआ। भागवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस कृति के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। मथुरा के कारावास में उनका जन्म हुआ और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। उनका बचपन गोकुल में व्यतीत हुआ। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपने राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न आपत्तियों में उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी का भूमिका निभाई और भगवान का ज्ञान दिया, जो उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। 124 वर्ष के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। भागवत गीता के उपदेश से जीवन में बदलाव। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश किसी भी इंसान के जीवन को बदलना सकता है। श्रीमद् भागवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण की संवाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए, जिससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा। आइए जानते हैं उन उपदेशों के बारे में, जो किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। शंका करने से होती है परेशानी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बात कर रहे हैं। वह यह सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने की आदि होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसे स्थिति आती है, जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है कि व्यक्ति किसी पर संदेह करता है, वह कभी भी सुखी नहीं रहता। उसके मन हमेशा शंका बनी रहती है, जो उसे परेशान करती रहती है। वह बेशक कुछ काम कर रहा हो, मगर शंका उसे किसी बीमारी की तरह हर वक्त दुख पहुंचाती रहती है। इसलिए शंका करने से मन परेशान रहता है। नरक के द्वार से बचाते हैं अच्छे कर्म। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बात करते हैं, मगर क्या आपके कभी स्वर्ग या नरक देखा है? यह हमारी मन स्थितियाँ ही है, जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराती है। मगर आपको किसी चीज का लोभ, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप वासना के शिकार है, तो जान ले कि यह तीनों ही नरक के द्वार है।
जहाँ लालच आपको अपने से दूर करता है, वही क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते कामों को बिगाड़ता है। इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य ही नहीं रहने देती, जिससे आपका नरक में जाना निश्चित हो जाता है। कभी शोक नहीं करना चाहिए। हमेशा लोगों को किसी को खोने पे शोक करने लगते हैं। अमूमन वह तब शोक करते हैं जब वह किसी ऐसी चीज को खो देता है जिसका नष्ट होना तय होता है। ऐसी चीजों पर शोक मनाने का क्या फायदा जिनका नष्ट होना तय है। गीता के उपदेशों में यह बात बताई गई है कि कोई मनुष्य अमर नहीं है, सभी की मृत्यु तय है। इसलिए किसी की दुनिया का अलविदा कहने पर शोक न मनाए, शोक उन चीजों को मनाए जो आपके हाथों में होने के बावजूद आप उन्हें नहीं बचा पाते हैं। हमेशा करे अच्छे कर्म। आज के समय में आधुनिकता लोगों पर हावी है, इसके बावजूद लोग इससे वह फायदा नहीं उठा पा रहे हैं जो वह उठा सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग आज भी बहुत कम हैं। अगर आप समझदार हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने साथ वालों को भी समझ देनी चाहिए। उसके साथ ही आप सबका भला नहीं कर सकते, मगर इस भावना को मन में रखें तो आप किसी एक का भला जरूर कर सकेंगे। अपने आसपास के लोगों को अच्छी बातें को बताना, उन्हें ज्ञान देना ही अच्छे इंसान की पहचान है। ईश्वर की प्राप्ति करना आसान। गीता का पांचवा सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर को याद करता है और उसके मन में सभी के लिए अच्छे भाव होते हैं, वह हमेशा ईश्वर को प्राप्त करता है। अगर मन में विश्वास और श्रद्धा है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? भगवान श्री कृष्ण से क्या सीखे, जीवन में क्या बदलाव आए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।